साथ हमारे चैनल में मैं हूँ शेफ गिरीश दुबे और आज की रेसिपी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में। उससे पहले कि आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप लोगों अपडेट मिल जाए। आज की रेसिपी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में पंजाबी मलाई लस्सी की। और पंजाबी मलाई लस्सी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दही चाहिए, शक्कर चाहिए, मलाई चाहिए। और आगे कुछ और दिखाते हैं स्पेशल लस्सी, मज़ा आ जाएगा पीकर। और बगैर बर्फ़ के ठंडी करेंगे हम। ये देखिए शक्कर डाली हमने, शक्कर जैसे बूरा होता है उस टाइप से है, की चम्मच है, 5 चम्मच डालना है। जो चम्मच आप लोग हों दिखाई मैंने वो 25 ग्राम की है और 5 चम्मच डालना है इसमें। एक 125 ग्राम समथिंग। और ये मलाई डालेंगे 200 ग्राम, दही है हमारा 600 ग्राम। जो घर की मलाई होती वो डाली हमने और ये बर्फ है। थोड़ा सा नमक डालेंगे इस पर हम, लस्सी ठंडी करने के लिए। इसके अंदर हमने कोई आइसिंग डालेंगे और कोई फ्रिज में नहीं रखेंगे, डायरेक्ट इस पर ठंडी करेंगे हम। और इस तरीके से घुमा लेंगे, 10 मिनट इस तरीके से घुमा देंगे तो हमारे ठंडी हो जाएगी। आप चाहो तो फ्रिज में भी ठंडी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ठंडी करने का और फ्रिज की ठंडी करने में बहुत अंतर आ जाता है टेस्ट में, ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। इस तरीके से आप ठंडी करेंगे तो आपका टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा, आप फ्रिज में करेंगे तो उसका टेस्ट अलग रहेगा। ये देखिए तो इस तरीके से हम इसको 15 मिनट, मज़ा आएगा, ज़रूर बताना। और ये हमारी पंजाबी लस्सी रेडी है। तो हमारी रेसिपी अगर आप लोगों अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और आप लोगों में लिंक दे दूँगा पंजाबी ग्रेवी की, शेव भाजी की, 5 प्रकार की ग्रेवी, और हमारे दूसरे चैनल की लिंक दे दूँगा, समर्थ के नाम से है। चलिए हमारी लस्सी रेडी, तो आप लोग चेक कर लेना। और ये देखिए हल्का सा हमने क्रश लगाया ऐसे ही, अगर आप लोग लगाना चाहते हैं तो, नहीं लगाना तो कोई बात नहीं, बस गिलास थोड़ा सा सुंदर दिखेगा। और आपको लगाना तो लगाइए, नहीं लगाना तो कोई बात नहीं। और ये हमारी पंजाबी लस्सी रेडी है, देखिए इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। लेकिन ये लस्सी लाजवाब है, यकीन मानिए, अगर आप लोगों ने ऐसी लस्सी बना के पिलाई ना, वाह, दीवाने हो जाएंगे सब लस्सी के। ये देखिए ये हमारी लस्सी रेडी, और इसमें बन जाएगा करीब 4 गिलास लस्सी ऐसे, इस तरीके से। लेकिन लस्सी भी है लाजवाब लस्सी है, मज़ा आ जाएगा पी के। ज़रूर बना कर देखना और फिर मेरे को बताना कि आप लोगों को मज़ा आया कि नहीं आया। थोड़ा कॉस्टली तो है लेकिन खाने का मज़ा भी तो उसी में है। ये कोकोनट पाउडर डाला ऊपर से थोड़ा सा हमने, और ये देखो कोकोनट पाउडर, किशमिश, आप चाहो तो चारोली भी लगा सकते हो, और तो थोड़ा सा काजू का टुकड़ा। तो हमारी ये मार्केट जैसी लस्सी रेडी, पंजाबी लस्सी। अगर मज़ा नहीं आए तो फिर आप लोग बोलना लाजवाब लस्सी है। तो चलिए हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। और आप लोगों को बताया मैंने कि मैं लिंक दे दूंगा पंजाबी ग्रेवी की, सेव भाजी की, 5 प्रकार की ग्रेवी, और हमारे दूसरे चैनल की जो समर्थ के नाम से, उस पर भी काफ़ी अच्छे अच्छे आइटम डालता हूँ, तो आप चेक कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप